सागर में सेबदल संगठन में विस्तार का क्रम जारी है, जहां इसी कड़ी में अब सेबदल ग्रामीण संगठन की कमान वरिष्ठ कांग्रेसी पूर्व पार्षद महेश जाटव को सौंपी गई है। उन्हें ग्रामीण सेबदल संगठन का अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। वह कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और लगातार विभिन्न माध्यम से जनहित से जुड़े मामलों एवं पार्टी संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता निभाते आ रहे हैं। वर्तमान में जिले की नरियावली विधानसभा में इनकी सक्रियता ज्यादा देखी जा रही है और पार्टी के महत्वपूर्ण वचनों में सुमार महिला सम्मान योजना सहित अन्य घोषणा की जानकारी घर घर तक पहुंचा इसके प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उनकी सक्रियता के चलते उन्हें नरियावली विधानसभा से दावेदारों की सूची में भी शामिल माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति से सेबदल संगठन सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है, जहां उनकी नियुक्ति पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वह शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तीन बत्ती गौर प्रतिमा पहुंचकर उन्होंने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने सेबदल सहित कांग्रेस की रीति नीति से ज्यादा लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूती प्रदान कर कार्य करने एवं कांग्रेस की सरकार बने इसके लिए प्रयास करने की बात कही है। पहले तो मैं सेबदल के शीर्ष नेतृत्व को यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस के एक एक लीडर से पूरा आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित सारे कार्यकर्ता और नेतागणों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और रहा 2023 की बात, मुझे निश्चित है कि आज इस बार 2023 में हमारे राज्य के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से मजबूत बने। नहीं, जैसे देखने में आ रहा है सेवा दल एक इकाई होती है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। सेवा दल लगातार अपने प्रोग्राम करती है महीने के लास्ट में, तो आप कैसे आह्वान करेंगे? जैसे सेवा दल की नीति रीति है, हर महीने का झंडा वादन हो गया या सेवा भाव के रूप में जनता की सेवा करना है, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के विचार मिलाकर काम करना है, आम पब्लिक को यह जताना है कि हम कांग्रेस के लोग कांग्रेस से को बहुत मजबूत तरीके से ले जाएंगे और हिसाब से हम कमलनाथ जी के सरकार।